नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यह फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए इनके राइट एंड लेफ्ट दोनों पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो आते हैं सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक क्विक एक्शन डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेने की काबिलियत के साथ साथ जो भी थिंकिंग दिलो दिमाग में आया उसको क्विकली इम्प्लीमेंट भी कर देना, इस प्रकार की नियति रहती है। ऐसे जो जातक होते हैं अधिकतर दूसरों के अंडर में रह करके अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ पाते। दूसरे लोग इनके अंडर में रह करके अच्छा वर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहने वाली रहेगी। फिंगर के बीच में जो एक छोटा मोटा गैप भी ये जैसे मेंटेन हो रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट नेचर को ही इंडिकेट कर रहा है और एक प्रकार के खर्चीलेपन को भी बताता है। फिंगर जो लिटिल है आपकी वो थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुंची है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए इस कारण से अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को दबाए रखना या कम्युनिकेशन स्किल में जैसे स्टेज फियर या अपोजिट जेंडर के प्रति शर्मिलापन महसूस करना, तो इस प्रकार की नियति रहती है। थर्ड फिंगर की लेंथ जैसे कि ज़्यादा है, तो ये अच्छी क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी के साथ साथ एक प्रकार का रिस्क टेकिंग नेचर भी आपको देगी, जिसके कारण कभी भी रिस्क लेने से पीछे आप नहीं हटेंगे। पहला जो फिंगर है ये जुपिटर का है, जिसे तर्जनी कहा जाता है। ये जब शॉर्ट हो तो फैमिली लाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। अंगूठा जो मैंने अनदर पॉम्पिक्स में देखा है उसमें स्ट्रांग है, तो जो व्यक्ति तो आपका रहेगा वो लोगों के सामने निखर के आने वाला यहाँ रहेगा और लॉजिकल नेचर यहाँ पर आपका दिख रहा है। पाम के साइज के विषय में यहाँ पर चर्चा करें तो देख पाएंगे कि शुक्र का एरिया आपके हाथ में ज़्यादा डेवलप है, तो इस कारण से जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन होता है वो अच्छा डेवलप होता है। इसका मतलब ये रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने अंदर एनर्जी बहुत अच्छी बनाए रखना, जीवन जीने का जो है मन हमेशा बने रहना। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना, एंटरटेनमेंट लाइफ में करते रहना, अच्छा घूमना फिरना, अपने शौक अरमानों को हर प्रकार से पूरा करना, यानी जॉयफुल अपना लाइफ को मेंटेन रखना, हंसते खिलखिलाते रहना, खुश और दूसरों को भी रखना, इस प्रकार का नेचर रहता है। एक्शन जोन भी डेवलप अच्छा है आपका, तो इस कारण से खाली बैठना भी आपको पसंद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, इस प्रकार का नेचर है। और अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम प्रारंभ करते, तो गुरु माउंट इतना प्रोमिनेंट आपका नहीं है, लेकिन हाँ जीवन रेखा से आपके बहुत सारी शाखाएं गुरु की तरफ झुकाव लेकर के चल रही हैं, जो सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करते हैं। यानी आप अपने खुद के प्रयासों से अपने लाइफ को बहुत चेंज करेंगे, बहुत पॉजिटिवली चेंजेस करने वाले रहेंगे, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ एक जुनून भी आपके अंदर रहेगा, जो भी चीज़ ठानेंगे वो करके दिखा देंगे, अपने लाइफ में सभी अरमानों शौक को भी पूरा करने के साथ साथ। जो ये जैसे आड़ी रेखा है, तो ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करती है और एक प्रकार से रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को भी बताती है। ऑकर्ड साइंस के प्रति अटेंशन आपका आगे चल करके और ज़्यादा आने वाला है। माइंड लाइन से ही एक रेखा निकल के शनि पर पहुंची है और शनि पर्वत भी यहाँ पर कुल मिलाकर के प्रोमिनेंट है, तो ये भी हार्डवर्किंग नेचर को ही इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है, लेकिन बैठे बैठे वाला काम आपको ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा। यहाँ पर जो फेट लाइन है वो आपके लाइफ लाइन से निकली है, जो सेल्फ मेड लक को ही अगेन इंडिकेट कर रहा है और अप्रोक्सीमेटली 46 से 48 के बीच में किसी बहुत बिग अचीवमेंट और सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद लाइफ लाइन बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गई है, तो उसके बाद लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके आने वाली है। थोड़ी ये रेखा टूट गई है जैसे कि देख पा रहे हैं, फिर राहु से प्रारंभ हुई है तो अचानक से धन लाभ के योग ये राहु का क्षेत्र यहाँ पर बनाते हुए मिलता है और लॉटरी, सट्टा, हॉर्स जो राइडिंग होती है या किसी भी ऐसे फील्ड से रिलेटेड जिसमें पैसा इन्वेस्ट करें और क्विकली उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने लग जाए, तो ऐसे किसी भी माध्यम से धनार्जन के योग भी आपके अच्छे हैं। और जो मेन आपकी फेट लाइन है वो यहाँ पर चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, जो फॉरेन लैंड को इंडिकेट करती है, जन्म स्थान से दूर जाने के योग को बताता है और शादी के बाद लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस को बताता है। जब जब नीड आपको रही है, हमेशा दूसरों का सहयोग भी मिला है और इस प्रकार से ये रेखा यहाँ पर शनि और सूर्य पर दोनों पर विभाजित हो गई है, जो जॉब के साथ साथ हाई पोस्ट, हाई अथॉरिटी के योगों को बताता है और गवर्नमेंट से भी किसी न किसी प्रकार से मिलने वाले बेनिफिट को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सूर्य पर आते हैं तो सूर्य पर्वत यहाँ पर आपका
कुल मिलाकर के अच्छा उभरा हुआ है, तो इस कारण से आपके अंदर आत्मविश्वास भी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ का मुझे क्लोजअप लेकर के जरूर भेजेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इस प्रकार से फिश सिंबल बन रहा है तो ये बेहद ही शुभ है, क्योंकि इस कारण से आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल रहने वाले रहेंगे। और जब इस प्रकार की फिश सिंबल बनती है तो देश दुनिया हर प्रकार से जो है नेम होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहती है और धन भी जीवन में अच्छा रहता है। हालांकि कुछ हल्की रेखाएं जो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये कन्फ्यूजिंग माइंड को भी इंडिकेट करती है, क्योंकि एक से ज़्यादा कला में निपुण होने के योगों को भी ये यहाँ पर बता रहा है। दूसरी बात यह है कि फोकस में थोड़ी सी कमी को बताता है, जिसके कारण किसी भी एक फील्ड में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन या नेम फेम नहीं हो पाता, तो थोड़ा कन्फ्यूजन को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर सूर्य के पर्वत का क्लोजअप आप मुझे भेज दीजिएगा। बाकी जो मरकरी माउंट यानी बुध पर्वत है वो दबा हुआ है और कम एरिया भी ले रहा है, तो मन के अंदर ही बातों को आप दबाए रखते हैं। अदरवाइज यहाँ देखा जाए आपके हार्ट लाइन में, तो ये इस प्रकार से निकल के शनि पर आकर के रुका हुआ है। तो बेसिकली आपका फोकस लाइफ में मनी और सेल्फ खुद को लेकर के और मैरिड लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा। और जब इस प्रकार की रेखा सीधे चलती है तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस और जो फीलिंग्स हैं उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस किसी के सामने नहीं कर पाते होंगे, और यहाँ पर लोग आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते होंगे। यही रीज़न है कि हृदय रेखा से नीचे की ओर ये जो रेखा आ रही है ये इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपनों से ही थोड़ा धोखा या अनबन मतभेद के योग दूरी बनने के योग बनते हैं। अदरवाइज देखा जाए माइंड लाइन पे, तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट आपकी चल रही है, तो बहुत अच्छी मेंटेलिटी और बहुत लॉजिकल नेचर यहाँ पर आपका दिख रहा है। नॉलेज भी बहुत अच्छा रहेगा आपके पास, और अपने मेंटेलिटी विवेक के बलबूते पर, बुद्धिमता के बलबूते पर जीवन में अच्छी प्रोग्रेस भी आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑफशूट्स भी निकल के ऊपर, माफ़ करें, यहाँ पर ऊपर की ओर रेखा जो है आपकी चल रही है, जो कि अच्छे सक्सेस को, बिजनेस लाइन में होने वाले अच्छे प्रोग्रेस को इंडिकेट कर रहा है। जब इस प्रकार की स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो आप यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को भी ये इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ सीधे रूप से सोचना और अपने लाइफ के प्रति कॉन्सेंट्रेट, एम के प्रति कॉन्सेंट्रेट रहना इसको भी बताता है। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा जरूर है, इसे राहु रेखा कहा जाता है, जो बेसिकली माइंड लाइन को आपकी ज़्यादा काट रही है। जब इस प्रकार से माइंड लाइन को ज़्यादा अफेक्ट करने वाली लाइन इस प्रकार से चलती है तो ये एक प्रकार के एनजाइटी के प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं, जिसके कारण बेफिजूल का डर, भय, चिंता या घबराहट कहीं ना कहीं बनी रहती है। अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है वो मेंटली थोड़ा ज़्यादा टॉर्चर करती है, देन थोड़ी रिलीफ मिलती है, फिर अगेन किसी ना किसी रूप में प्रेशर आ जाता है। तो ये राहु रेखा का ही अफेक्ट होता है, जो कि प्रॉपर रीज़न डिफाइन नहीं हो पाता कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। इसीलिए राहु के रेमेडीज़ करने आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है, ताकि मेंटल पीस मिल सके, और इसका नाता चंद्र से भी होता है, तो ये भी आगे चल करके आपको डिफाइन करता हूँ। अदरवाइज आपके लाइफ लाइन पे देखा जाए तो लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन के साथ साथ यहाँ पर कुछ रेखाएं निरंतर साथ साथ चल रही है, जो अगेन भ्रमित होने के योगों को बताता है, जो अप्रोक्सीमेटली 40 के एज तक चल रही है। और जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है 45 के एज के दरमियान, उसी के बाद लाइफ लाइन भी स्ट्रांग हुआ है और शुक्र पर भी कनेक्टिविटी है, तो यानी जन वापस अपने बर्थ प्लेस पे आने के योग आपके बन सकते हैं, और फैमिली कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। सहयोगी रेखा भी चल रही है, तो लाइफ में आपको दूसरों का जो सपोर्ट मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 33 के एज से लेकर के 45-46 तक बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। और चंद्र की से पहले यहाँ बात करें मंगल की, तो अंदरूनी मंगल अच्छा विकसित है, तो इस कारण से आपके शारीरिक गठन, फिजिकली फिट और अलर्ट आप अच्छे से रहने वाले रहेंगे, और मेंटली भी अलर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जब बाहरी मंगल अच्छा विकसित होता है तो सहनशीलता और साहस आपके अंदर अच्छी रहेगी, लेकिन धैर्य में थोड़ी सी कमी, यानी पेशेंस में थोड़ी सी कमी रह सकती है। किसी से भी मिलेंगे बहुत जुनून, हौसले के साथ, और शुक्र पर्वत जैसा कि अच्छा डेवलप है तो ये खर्चे बहुत करवाता है, तो इस कारण से मनी आपके पास रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। और लेकिन ये ध्यान रखें कि स्वास्थ्य आपका इस कारण से अच्छा रहने वाला है, और हर प्रकार का जो सुख सुविधा होता है वो सारी चीज़ें आपके पास रहेगी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर, रिस्पेक्ट, अच्छी मैरिड लाइफ, ये सारी चीज़ें जो एक बेसिक नीड्स होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास रहेगी जो आपके जीवन को आसान करेगी। लग्जेरियस लाइफ भरपूर है, लेकिन या जो इतनी सारी आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं ये अननेसेसरी वरीज को बताता है, जो मनी से रिलेटेड आपको थोड़ा टेंशन ज़्यादा दे सकता है या फैमिली लाइफ से रिलेटेड टेंशन ज़्यादा हो सकता है। ऐसा कुछ भी है ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म करें, और सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर
अच्छे भाई बहनों के सहयोग के साथ साथ गुड अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट करता है। केतु माउंट पर विभाजित हुई जीवन रेखा यात्रा खूब करवाती है, यात्रा से लाभ भी मिलता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि चंद्र की, तो चंद्र पर्वत यहाँ पर आपका अच्छा विकसित जरूर है, जिसके कारण सकारात्मक मन रवैया रहता है। लेकिन जब इतनी सारी रेखाएं यहाँ पर हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ही मन के विचलन के योगों को बता देता है कि मन कहीं ना कहीं आपका स्थिर नहीं रह पाता है। बहुत सारे ख्यालात मन में चलते हैं जिसके कारण थोड़ा नींद में भी अफेक्ट होने लगता है, फोकस में भी कमी आती है, और यही रीज़न है कि एंजाइटी और अजीबोगरीब गरीब यहाँ पर जो है ख्यालात भी आने लगते हैं। तो चंद्र भी इसके लिए बहुत बड़ा कारक होता है, इसीलिए चंद्र की स्थिरता यानी मन का स्थिर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी जा कर के ये राहु रेखा के भी इफेक्ट कम होंगे और सूर्य भी जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहा है तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर आपके बहुत अच्छी सक्सेस लाइन निकली हुई है, तो लक तो आपका बर्थ प्लेस से दूर ही बहुत ब्राइट है, और यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं भी निकली हुई हैं जो बिजनेस में आने के योगों को ब्राइट बनाती है। लेकिन प्रॉपरली मनी ट्रायंगल आपके हाथ में यहाँ पर अगर बारीकी से देखें तो बन रहा है, तो इस कारण से धन भी जीवन में अच्छा आएगा, उसका सदुपयोग भी होगा और गुप्त धन भी आपके पास रहने वाला यहाँ रहेगा। तो ये थे आपके राइट हैंड के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब लेफ्ट हैंड के विषय में भी आपके सामने मैं चर्चा यहाँ पर रखना चाहूँगा। तो लेफ्ट हैंड में भी तकरीबन सारे सेम ही कंडीशंस हैं, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे तो लेफ्ट हैंड में आपके मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर के चल रहा है। जब इस प्रकार से मरकरी लाइन ओवर डेवलप होकर के चलता है यानी ओवरलैपिंग के साथ चलता है, तो एक इशू यह नेगेटिव रहती है कि थोड़ा सा पेट से रिलेटेड तकलीफ रहता है, जैसे पाचन क्रिया से रिलेटेड या डायबिटीज़, इस प्रकार के थोड़े से इशूज़ रह सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये रेखा हेल्थ के इम्प्रूवमेंट को ही सर्वप्रथम इंडिकेट करती है, ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड ट्रबल नहीं होती है, और बिजनेस में आने के योगों को बहुत ब्राइट यहाँ पर करती है। इसके अलावा आपके लाइफ लाइन से निरंतर प्रोग्रेस लाइन निकलती चली जा रही है, तो ये आपके खुद के मेहनत और खुद के प्रयासों से मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को, अच्छे लक को इंडिकेट करता है कि जो भी आप अपने लाइफ में चाहेंगे वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। एक छोटा सा आइलैंड स्टार्टिंग लाइफ में भी बना हुआ है, तो शुरुआती जीवन किसी ना किसी प्रकार से थोड़े ट्रबल लॉस या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में आपका दिख रहा है, और यहाँ पर आपकी माइंड लाइन इस प्रकार से नीचे डिक्लाइन भी हो रही है, तो ये इमेजिनेटिव स्किल को भी डेवलप कर रहा है और एक ओवर डेवलप होकर के माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट चल रही है, तो इमेजिनेशन स्किल भी आपके अंदर प्रॉपर दिख रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी भी दिख रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है ज़्यादा बढ़ा रहा है। जैसे कि राइट हैंड में सूर्य पर्वत पर जैसे मल्टीपल्स लाइन है, उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि जब सीधे रेखा चलती है तो ये इमेजिनेटिव स्किल को जो है इग्नोर करती है, और वहीं जब इमेजिनेशन वाली माइंड लाइन भी हो तो ये प्रैक्टिकलिटी को फिर इग्नोर करती है। तो यही रीज़न है कि एक ही समय पे दो दो तरीके से सोचने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। तो ऐसा अगर है ज़रूर तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करिए आप, और अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो सूर्य पर्वत है क्लियरली विजन हो रहा है, और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि मल्टीपल्स लाइन्स चल रही हैं, तो यही बता रहा है कि एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आप आदि दिख रहे हैं। आप एक ही बार आपका सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक बार हाथ फैलाएं और सब चीज़ मिल जाए, तो ये थोड़ा सा नहीं होता है, फोकस में इस कारण से कमी आती है और जो वर्क होता है उसमें भी अफेक्ट इनडायरेक्टली पड़ता ही पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पर भी आपका जो है मनी ट्रायंगल डेवलप अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी मून लक लाइन है और यहाँ पर आपका इस प्रकार से मनी ट्रायंगल बना है, तो धन तो जीवन में आपके अच्छा रहेगा, लेकिन जो प्रॉपरली स्टेबिलिटी या फिर जो मेंटल पीस है उसमें मुझे थोड़ी कमी दिख रही है, क्योंकि मंगल से भी और शुक्र से भी रेखा अफेक्ट ज़्यादा कर रही है। तो इसके लिए मैं रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा, और यहाँ पर लाइफ लाइन से भी बाहर की ओर रेखा फॉरेन ट्रैवलिंग और बहुत ज़्यादा भ्रमण की योगों को यहाँ पर इंडिकेट करता है। गुरु मोड यहाँ पर अच्छा आपका स्पेस ले रहा है, तो इस कारण से मैरिड लाइफ स्टेबल और सक्सेसफुल साबित होती है, तो ओवरऑल जो योग हैं कुल मिलाकर के पॉजिटिव ही मुझे देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा मेंटल पीस में कमी और कॉन्सेंट्रेशन में कमी है। अदरवाइज देखा जाए तो धन अच्छा है, लाइफ में प्रोग्रेस भी अच्छा आपको रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।